नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं चिम्स। कल रात को कुर्ला वेस्ट में महताब नाम के बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आपको बुझाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगी थी। आग लगने के बाद इलाके में ब्लास्ट की आवाजें सुनी जा रही। लोगों का कहना है कि पहले सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। सही वक्त पर दमकल की गाड़ियां आ जाने की वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद थी और आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। सही वक्त पर दमकल की गाड़ियां आ जाने की वजह से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था। हालांकि इसमें किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस आग के चपेट में लगभग लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ।